डिफरेंस ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे. कंसीडर द कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन द वेरिएबल्स एक्स एंड एफ एक्स. एक्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ये एफ एक्स डी ये जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल होगा. तो एक्स वैल्यूज को हम इस तरह से अगर लिखें, एक्स ए ए प्लस एच ए प्लस टू एच एंड सो ऑन, तो कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन वैल्यूज at x is fx, at a is fa, at a plus h is f a plus h, and at a plus 2h is f a plus 2h. The values of x are called argument and the values of fx are called entries. So independent variable x ki values ko hum argument keh denge aur dependent variable fx ki values ko entries. First operator is shift operator. So this operator is defined as e symbol. इसके लिए हम use करते हैं e of fx. ये fx को x point से x plus h point पे shift करेगा. इसकी value फिर हो जाएगी f x plus h. e square. अगर इस पे फिर second time हम apply करते हैं operator. तो ये इस पे ई अप्लाई हो जाएगा, इसको एक और आगे पॉइंट शिफ्ट करेगा, तो फिर ई स्केयर एफ एक्स की वैल्यू बन जाएगी एफ एक्स प्लस टू एच. थर्ड टाइम जब अप्लाई करते हैं एफ एक्स पे ई क्यू एफ एक्स, इसकी वैल्यू बन जाएगी एफ एक्स प्लस थ्री एच एंड सो ऑन. ये जो इसकी पावर है वो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एच बनता जा रहा है. अगर ये 4 है तो वो 4h हो जाएगा, n यहाँ आएगा तो nh हो जाएगा. तो इस तरीके से ये शिफ्ट ऑपरेटर हमारा काम करेगा. अब अगर yn हम ले लेते हैं, उस पर e अप्लाई करते हैं, तो वो yn प्लस 1 बना देगा. e स्केयर इस पर करेंगे तो n प्लस 2 हो जाएगा, क्यूब करेंगे तो n प्लस 3 हो जाएगा. बिल्कुल इसके पैरेलल उसी तरह से ये नंबर उसमें ऐड होता जाएगा. तो ई एन करते हैं तो वाई एन प्लस एन इसमें आ जाएगा. तो ये हमारा शिफ्ट ऑपरेटर है कि फंक्शन को दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट करता है. सेकंड ऑपरेटर है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर. इट इज डिफाइंड एज सिंबल, इसका यूज करते हैं हम ये ट्राइंगल. दिस ऑपरेटर ये डेल्टा एफ एक्स, इसको हम लिख सकते हैं, कह सकते हैं डेल्टा एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स. यानी ये एफ एक्स वैल्यू से अगली वैल्यू में से इसको माइनस करना है, इसलिए फॉरवर्ड डिफरेंस कहते हैं कि फॉरवर्ड जो फंक्शन वैल्यू है उसमें से इसने माइनस होना है. तो ये बन जाएगा फिर डेल्टा एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स. ये जो एफ एक्स प्लस एच है ये शिफ्ट ऑपरेटर में ऐसे लिखा जा सकता है, ई एफ एक्स माइनस एफ एक्स. तो इसमें से एफ एक्स ऑपरेटर से बाहर ले आते हैं इधर, तो यहाँ ई रह गया, यहाँ से माइनस वन रह गया. तो ये जब कंपेयर करते हैं एफ एक्स पे डेल्टा अप्लाई हो रहा है, इधर एफ एक्स पे ई माइनस वन हो रहा है, तो ये डेल्टा की वैल्यू फिर e माइनस वन हो गई. तो ये रिप्लेसमेंट की जा सकती है इस ऑपरेशन से, इस रिजल्ट से, किसी e को डेल्टा में और डेल्टा को e में. अब डेल्टा स्केयर एफ एक्स अगर करते हैं तो डेल्टा ऑफ डेल्टा एफ एक्स जब लेते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये थी. जब डेल्टा इस पे अप्लाई होगा और इस पे होगा तो इसकी अगली वैल्यू होगी एफ एक्स प्लस टू एच और उसमें से ये माइनस होगा. इस पे जब अप्लाई होगा तो फिर ये यही वाली वैल्यू दोबारा यहाँ आ जाएगी. तो ये वैल्यू जब हम डालते हैं इसमें, तो इसको जब लिखते हैं तो ई स्केयर लिख सकते हैं इस पार्ट को,
और ये ई इसको लिख सकते हैं, ये चूंकि सेम है तो टू टाइम्स हमने कर दिया और ई ऑफ एफ एक्स इसको लिख दिया, ये लास्ट वाला एफ एक्स ऐसे ही आ गया, ये सारा एक्सप्रेशन एफ एक्स में लिखा गया। अब इसमें से एफ एक्स को बाहर ले जाए अगर तो इसके इनसाइड रह जाएगा ई स्केयर माइनस टू ई प्लस वन, तो फिर डेल्टा स्केयर जो है वो इसके अंदर वाले पार्ट के इक्वल हो जाएगा, डेल्टा स्केयर इक्वल टू ई स्केयर माइनस टू ई प्लस वन, इसको फिर हम ई माइनस वन होल स्केयर लिख सकते हैं, तो डेल्टा स्केयर इक्वल टू ई माइनस वन होल स्केयर बन गया। इसी तरह से जब डेल्टा क्यूब हम करेंगे तो डेल्टा स्केयर एफ एक्स वैल्यू हम बना चुके हैं उस पर फिर डेल्टा लगा देते हैं, उस पर जब डेल्टा लगता है तो ये एफ एक्स प्लस थ्री में चला जाता है और इसी तरह से ये सारी अगली टर्म चेंज होती हैं, तो इसको फिर हम ई एफ एक्स ये ई क्यूब में चेंज हो जाता है, ये ई क्यूब में चेंज हो गया, ये ई स्केयर में चेंज हो गया, ये ई में चेंज हो गया, ये एफ एक्स ऐसे ही आया। तो ये जो कोएफिशिएंट्स हैं इनको हम ये कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं, ये थ्री वैल्यू है इसको थ्री वन लिख सकते हैं, ये थ्री वैल्यू को थ्री टू लिख सकते हैं, इसके बाद यहाँ पे अगली वैल्यू है ये चूंकि साइन अपोजिट चलती हैं, प्लस है माइनस है प्लस है माइनस ऐसे चलती हैं, तो इसलिए लास्ट पे हम माइनस वन पावर थ्री जो इधर है हमारे पास पावर वही इस पे लगा देते हैं। तो इसकी जब हम चेंज करके लिखते हैं ई में तो ई में ये एक्सप्रेशन बन जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं ई क्यू माइनस थ्री ई स्केयर प्लस थ्री ई माइनस वन एफ एक्स, और ये जो है ये क्यूब में चेंज हो जाता है, ये डेल्टा क्यूब इक्वल टू ई माइनस वन क्यूब। अब ये एक सिमेट्री बन गई, एक रिजल्ट हमारे पास का एक पैटर्न बन गया है कि जितनी यहाँ पावर डेल्टा की होती है वो ई माइनस वन की भी उतनी हो जाती है, अगर ये 4 होगी तो यहाँ भी 4 होगा, 10 होगी तो 10 होगा, n होगी तो n हो जाएगा। तो अब जनरल फॉर्म में हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये पहले एफ एक्स प्लस एन में लिखा गया एन वन एक्स एफ एक्स प्लस एन माइनस वन एच प्लस एन टू, इसी तरह से ये सारा चलता गया एंड पे माइनस वन पावर एन एफ एक्स, और ये सारा फिर ई में जब लिखेंगे हम तो डेल्टा एन की वैल्यू ई माइनस वन पावर एन हो जाएगी। तो ये हमारा रिलेशन ई और डेल्टा में है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और शिफ्ट ऑपरेटर में ये रिलेशन बनते हैं। अब इसी तरह से अगला ऑपरेटर है हमारे पास बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ये फॉरवर्ड जैसे अगली वैल्यू से पिछली प्रीवियस को माइनस करते थे, अब हमने करंट वैल्यू फंक्शन वैल्यू से प्रीवियस माइनस करनी है, करंट से प्रीवियस माइनस करनी है। फॉरवर्ड में होता है कि नेक्स्ट वैल्यू से करंट वैल्यू माइनस होती है, तो इसका सिंबल ये यूज करते हैं डेल, उल्टी ट्रायंगल जो है ये डेल ऑपरेटर इसको हम कह सकते हैं, डेल ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स इसमें से पिछली वैल्यू माइनस करें एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच, तो इसलिए चूंकि पिछली वैल्यू को माइनस करते हैं इसलिए हम इसको कहते हैं बैकवर्ड ऑपरेटर। तो ये यहाँ एफ एक्स ऐसी रखा माइनस, इसको शिफ्ट ऑपरेटर हम लगाएंगे और ये एक्स माइनस एच है तो माइनस वन कोएफिशिएंट है, ये जो माइनस वन कोएफिशिएंट है वो ई की पावर बना देते हैं ई माइनस वन एफ एक्स। तो इसमें से फिर उसी तरह से एफ एक्स को राइट पे लिखा, लेफ्ट पे आ गया यहाँ से वन, यहाँ से ई पावर माइनस वन, तो ये एफ एक्स और ये भी एफ एक्स इसको छोड़ दें, ऑपरेटर को ऑपरेटर से कंपेयर कर दें, तो ये डेल की वैल्यू बन गई फिर वन माइनस ई पावर नेगेटिव वन। यहाँ से अगर ई हम की वैल्यू हमने बनानी हो तो ई की वैल्यू यहाँ से वन माइनस डेल होल पावर माइनस वन बन जाती है। तो ये भी एक रिलेशन हम इस तरह से यूज कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, डेल को रिप्लेस करना हो तो ये यूज करेंगे, ई को रिप्लेस करना हो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर से तो फिर इसको यूज करते हैं।
अब इस पे सेकेंड टाइम जब लगाते हैं डेल स्केयर एफएक्स, तो डेल ऑफ एफएक्स की वैल्यू ये थी, इस पे फिर ये डेल अप्लाई कर दिया, इस पे भी किया, इस पे भी किया, इस पे जब किया तो एफएक्स माइनस एच बन गया, इस पे किया तो इसमें से एफएक्स माइनस एच में से एफएक्स माइनस टू एच माइनस हो जाएगा, तो उससे जब लिखा गया हमने तो इस फॉर्म में ये लिखा गया, ये एफएक्स ये सेम है तो ये माइनस टू एफएक्स माइनस एच और ये प्लस एफएक्स माइनस टू एच। अब इसको क्योंकि माइनस वन को एफिशिएंट है ई माइनस वन शिफ्ट ऑपरेटर लगा देते हैं, ये माइनस टू है तो ई माइनस टू के साथ शिफ्ट ऑपरेटर लगा देते हैं, तो अब फिर एफ एक्स को बाहर ले आते हैं इधर, तो इन लेफ्ट साइड में इन साइड ब्रैकेट के रह जाता है वन माइनस टू ई माइनस वन प्लस ई माइनस टू। अब इसको डेल स्केयर हमने उसके इक्वल कर देना है ये पार्ट। अब इसको देखें तो ये हमारे पास उसी तरह का पैटर्न एक बन रहा है। अब इसको अगर हम कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिखें तो यहाँ पे कोएफिशिएंट है, ये पावर है टू, ये टू के साथ लिखा जाएगा, ये एफ एक्स ऐसे लिखेंगे, माइनस इस वाले को हम लिखेंगे माइनस टू वन एफ एक्स माइनस एच प्लस माइनस वन स्केयर, ये जो पावर है वो इधर आ जाएगी एफ एक्स माइनस टू एच। इस पैटर्न में इसको फिर इस तरह लिखेंगे। अब डेल क्यूब को देखते हैं, डेल क्यूब एफ एक्स इक्वल टू डेल ऑफ डेल स्केयर एफ एक्स, डेल स्केयर एफ एक्स की ऊपर वाली वैल्यू ये यूज करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं इस पे भी करते हैं। जब इस पे करेंगे तो एफ एक्स माइनस एच हो जाएगा, ये माइनस टू ऐसे ही आ गया, इस पे अप्लाई करते हैं तो एफ एक्स माइनस एच माइनस माइनस प्लस हो के टू एफ एक्स माइनस टू एच, फिर इस पे अप्लाई करते हैं ये एफ एक्स माइनस टू एच माइनस एफ एक्स माइनस थ्री एच। अब ये सेम हम कंबाइन करेंगे, ये कंबाइन हो जाएंगे दोनों एफ एक्स माइनस टू एच और ये भी, ये थ्री बन जाएगा कोएफिशिएंट, ये सेम हैं दोनों, माइनस वन यहाँ से माइनस टू यहाँ से माइनस थ्री कोएफिशिएंट बन जाएगा यहाँ से, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बना फिर वो है एफ एक्स माइनस थ्री एफ एक्स माइनस एच प्लस थ्री एफ एक्स माइनस टू एच माइनस एफ एक्स माइनस थ्री एच। अब इसको ये पावर थ्री के साथ था इधर, तो इधर भी थ्री के कम्बिनेशन लिखेंगे हम, इस कोएफिशिएंट को हम थ्री वन लिखेंगे एफ एक्स माइनस एच, इसको थ्री टू लिखेंगे ये भी थ्री आंसर देता है, एफ एक्स माइनस टू एच इसको फिर माइनस वन क्यूब एफ एक्स माइनस थ्री एच लिख दिया। अब इसको जब ई में हम लिखेंगे तो ये पहली टर्म तो ऐसे ही आ गई और ये कोएफिशिएंट थ्री भी ऐसे ही आ गया, ये चूँकि एफ एक्स माइनस एच है तो ई माइनस वन एफ एक्स बन गया, ये है एफ एक्स माइनस टू एच तो ये थ्री ई माइनस टू एफ एक्स बन गया, यहाँ पे है माइनस के साथ बाहर और एफ एक्स माइनस थ्री एच है तो ई माइनस थ्री एफ एक्स बना, तो इसमें ये एफ एक्स फिर बाहर लिखा हमने, इन साइड ये बना वन माइनस थ्री ई माइनस वन प्लस थ्री ई माइनस टू माइनस ई माइनस थ्री, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये इस ऑपरेटर डेल क्यूब की वैल्यू बन गई, सो डेल क्यूब इक्वल टू वन माइनस थ्री ई माइनस वन प्लस थ्री ई माइनस टू माइनस ई माइनस थ्री। अब इसको जनरल फॉर्म में ले आते हैं, हम इसके पैटर्न से इसको लिखते हैं, ये डेल पावर एन है तो ये वन उसी तरह से यहाँ वन लिखा माइनस यहाँ हमने लिखा था थ्री वन, यहाँ हम लिखेंगे एन वन और ये ई माइनस वन हो जाएगी, आगे वाला होगा प्लस एन टू ई माइनस टू, फिर प्लस इसी तरह से चलता जाएगा एन थ्री ई माइनस थ्री और लास्ट पे माइनस वन पावर एन ई माइनस एन, ये इसका डेल एन जनरल फॉर्म में लिखा गया। अब इसको एफ एक्स में जब लिखना है तो उसी तरह से वो
कम्बिनेशन यूज करते हैं एफ एक्स माइनस एन वन एफ एक्स माइनस एच प्लस एन टू एफ एक्स माइनस टू एच एंड सो ऑन प्लस माइनस वन एन एफ एक्स माइनस एन एच। तो ये फंक्शन एफ की फॉर्म में। अब अगर हम इसको वाई में लिख लें, फॉरवर्ड डिफरेंस को वाई में लिखते हैं, यहाँ इसी तरह से बैकवर्ड को देख लेंगे, डेल डेल्टा वाई जीरो ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, तो ये वाई वन माइनस वाई जीरो बना देगा। जब इसको सेकेंड टाइम लगाएंगे तो इसको लिखेंगे डेल्टा डेल्टा वाई जीरो, डेल्टा वाई जीरो की वैल्यू ये बन चुकी है, तो डेल्टा वाई वन माइनस वाई जीरो, इसको इस पे अप्लाई करेंगे, इस पर भी करेंगे, तो यहाँ डेल्टा वाई वन माइनस डेल्टा वाई जीरो, तो इस पे जब किया तो वाई टू माइनस वन बना दिया इसने, इस पे किया तो ये वाई वन माइनस वाई जीरो बनाता है इसको, तो चूंकि माइनस बाहर है इसको माइनस लगेगा, इसको प्लस हो जाएगा, तो ये वाई टू माइनस टू वाई वन प्लस वाई जीरो हो जाएगा। तो ये उसी पैटर्न पे होगा, ये वाई टू माइनस टू वन वाई वन प्लस माइनस वन स्केयर वाई जीरो, ये एफ एक्स की जगह पे अब ये वाई में हम लिखते जा रहे हैं, डेल्टा क्यूब वाई जीरो, तो डेल्टा डेल्टा स्केयर वाई जीरो, इसकी वैल्यू ये बना चुके हैं ऊपर, ये इसको यहाँ ले आते हैं और फिर इस डेल्टा को इस पे भी अप्लाई करते हैं, डेल्टा वाई टू बना, माइनस टू टाइम्स डेल्टा वाई वन लिखा गया, फिर प्लस डेल्टा वाई जीरो लिखा गया। अब डेल्टा वाई टू की वैल्यू वाई थ्री माइनस वाई टू, माइनस टू टाइम्स इसकी वैल्यू वाई टू माइनस वाई वन हो जाएगी, इसके ऊपर जब लगेगा तो ये वाई वन माइनस वाई जीरो होगा। तो इस तरीके से ये वाई थ्री माइनस यहाँ से थ्री वाई टू, यहाँ से थ्री वाई वन और ये माइनस वाई जीरो, तो ये फिर बना डेल्टा क्यूब वाई जीरो इक्वल टू वाई थ्री माइनस थ्री वाई टू प्लस थ्री वाई वन माइनस वाई जीरो। इसको कॉम्बिनेशन फॉर्म में ऐसे लिख दिए, थ्री वन थ्री टू फिर लास्ट पे माइनस वन पावर थ्री, ये कोएफिशिएंट की फॉर्म में हम लिख देने। सिमिलरली इसको पैटर्न को फॉलो किया हमने तो ये बना डेल्टा एन वाई जीरो इक्वल टू वाई एन माइनस एन वन वाई एन माइनस वन प्लस एन टू वाई एन माइनस टू प्लस एंड सो ऑन माइनस वन पावर एन वाई जीरो। अब इस पे बैकवर्ड लगाते हैं वाई जीरो पे, डेल वाई जीरो इक्वल टू वाई जीरो माइनस वाई माइनस वन, पीछे जाना आपने। अब डेल वाई वन पे जब जाएंगे तो वाई वन माइनस वाई जीरो पे चले जाएंगे, फिर डेल वाई टू जब लेंगे तो वाई टू में से वाई वन माइनस हो जाएगा। अब डेल स्केयर वाई टू अगर लेना हो हमने तो ये हो जाता है फिर वाई टू माइनस, अच्छा इस पे एक और डेल जब अप्लाई होगा तो इस पे भी डेल अप्लाई होगा, इस पे भी अप्लाई होगा, इस पे जब होगा तो वो वैल्यू y2 माइनस y1 बनाएगा, जब इस पे अप्लाई होगा तो y1 माइनस y0 बनाएगा। ये जब कंबाइन हो जाएंगे तो फिर ये फॉर्म ऐसे बनेगी, डेल स्केयर y2 इक्वल टू y2 माइनस 2y1 प्लस y0। अब इसी तरह से डेल y3 जब लिखते हैं हम तो y3 माइनस y2 लिखते हैं, इसका भी जब डेल स्केयर y3 लिखेंगे तो ये इस पे भी डेल अप्लाई करेंगे, इस पे भी करेंगे, डेल y3 माइनस डेल y2, इसकी वैल्यू y4 माइनस y3 हो जाएगी इस वाले की, और इसकी वैल्यू y2 माइनस y1 हो जाएगी। तो फिर डेल स्केयर y4 की वैल्यू हमें इसी तरह से यहाँ पे इस पे डेल y4 है, इस पे डेल स्केयर करना है तो इस पे भी डेल लगाएंगे, इस पे भी डेल लगाएंगे, तो इस फॉर्म में लिख देंगे
अब ये डेल स्केयर वाई फोर है, तो डेल वाई फोर माइनस डेल वाई थ्री, इस पावर से एक कम डेल यहां रहा और वाई फोर रहा और उससे लेस एक हुआ। अब जनरल फॉर्म में जब लिखें इसको डेल एन वाई के, तो इस साइड पे देखें स्केयर है तो इधर पावर वन है, तो इधर एन है तो इधर डेल एन माइनस वन होगा और ये वाई के एज इट इज यहाँ आएगा माइनस डेल एन माइनस वन, इसमें से एक कम होके लिखा जाएगा वाई के माइनस वन। तो ये हमारे पास वाई की फॉर्म में रिलेशन बन जाता है इस तरह से। तो ये थ्री ऑपरेटर्स तक हम इसको कंप्लीट करते हैं इसमें। तो इसकी रिकॉर्डिंग मैं अभी बंद कर देता हूँ।